फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करें, दैट इज डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, वो आपको बोला था। तो मैं अभी देखो वही करने वाला हूँ। सो मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है और कैसे मल्टीप्लिकेशन अगर बड़े साइज में आए तो आपको सॉल्व करना है। आप मैनुअली तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग कैलसी से करेंगे। डिटर्मिनेंट आप मैनुअली कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि हम लोग सॉल्व कैसे करना है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स आए तो पहले फर्स्ट लो, फर्स्ट कॉलम इन दोनों का लो, बाद में फिर से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है ऐसे मैट्रिक्स में। सो हम लोग यूजिंग कैलसी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ऑन बटन दबाना है, देन मोड। आप देख सकते हैं इधर मोड है, वो मोड बटन दबाओ। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इधर मैट्रिक्स है, अपने क्या करना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना है। सो देखो ये मैट्रिक्स है इधर, सो ये सिक्स वाला दबाओ। ओके, आपको ये पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। देखिए अभी एक ही इधर मैट्रिक्स हम अपने को डिटरमिनेंट करना है, तो आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रीफर कि वन फर्स्ट से चूज करो, दैट इज मैट्रिक्स ए। फिर ये मैट्रिक्स ए का नंबर क्या है, वन, तो ये मैं वन पे क्लिक किया। अब आपको आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, दैट इज 3x3 चाहिए, कितने बाय कितने का चाहिए। तो अभी देखो थ्री रोज और थ्री कॉलम्स है, सो मैं चूज करूंगा वन। देखिए आप कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा 3x3 का मैट्रिक्स, थ्री रोज और थ्री कॉलम्स। और उसके बाद आपको करना क्या है, बस एक वैल्यू वन बाय वन पुटअप करना है। थ्री पुटअप किया, थ्री माइनस वन वन, फर्स्ट रो है थ्री माइनस वन वन, ठीक है। सो ये थ्री इक्वल, हर एक स्टेप के बाद इक्वल दबाना ही है, हर एक वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको इक्वल दबाना ही पड़ेगा। देन माइनस वन, देन वन, देन वो अपने आप नेक्स्ट पे जाता रहेगा, सो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन माइनस वन, देन फाइव, देन माइनस वन, देन वन, माइनस वन, एंड देन थ्री। ओके, अभी आपको आपके पास अभी आंसर निकालने से पहले आपको क्या करना है, एसी दबाना है, कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा विद जीरो। ओके, सो फिर शिफ्ट दबा के फोर दबाओ। देन अभी आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब देखो डीईटी लिखा है इधर, सेवन नंबर, देखो डीईटी और उसका नंबर क्या है, सेवन, तो मैं सेवन दबाऊंगा। हमने मैट्रिक्स कौन सा चूज किया था, मैट्रिक्स ए, तो फिर से आपको शिफ्ट फोर दबाना है। हमने क्या चूज किया था, मैट्रिक्स ए, उसका नंबर क्या है, थ्री, तो मैं थ्री दबाऊंगा, ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा और फिर इक्वल दबाऊंगा। तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 36 और मेरा आंसर है 36। आप मैन्युअली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो देखिए वैल्यू मैच हुआ, मतलब अपना ये सम राइट है जो कि हमने कैलसी में किया है। ओके, सेकंड हम लोग देखेंगे अभी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर से बाहर आ जाओ, मैं फिर से अभी बाहर जाता हूँ, ओके, ऑफ करके। ओके, सबसे पहले इसमें भी सेम स्टेप है, पहले ऑन करो, फिर मोड बटन क्लिक करो, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, लेकिन किसका करना है, मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का इधर देखो, इधर ऑप्शन है, सिक्स नंबर दबाओ। सिक्स नंबर दबाने के बाद आपको क्या करना है, देखो अभी इधर तीन मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, तो इसमें से कौन सा भी फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, नो प्रॉब्लम। सो मैं फर्स्ट से करता हूँ, दैट इज वन नंबर दबाया। कौन सा मैट्रिक्स चाहिए आप लोगों को, तो सब थ्री बाय थ्री है, देखो ये पहला मैट्रिक्स है थ्री बाय थ्री, सो ये थ्री बाय थ्री मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। देखिए अभी ए है इधर, मतलब मैट्रिक्स ए में मैं कौन सा पुट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला है, देखिए वन, देखिए ये डिवाइड बाय है, डिवाइड बाय सिक्स, फिर इक्वल, हर एक स्टेप के बाद इक्वल, हर एक वैल्यू पुट अप करने के बाद इक्वल, देन माइनस वन बाय थ्री, देन वन बाय सिक्स है, देन वन बाय थ्री, नेक्स्ट रो में हम लोग चले गए हैं, वन बाय थ्री, देन वन बाय थ्री, देन नेक्स्ट माइनस वन बाय टू, देन जीरो है तो जीरो, सो ये वन बाय टू। ओके, फिर मैंने एसी पुट करना है, दैट इज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा जीरो। फिर शिफ्ट फोर, ये कंपल्सरी स्टेप है, शिफ्ट फोर क्यों दबाया, अभी देखो इधर हम लोगों के डिटरमिनेंट तो नहीं निकालना है, लेकिन अपने को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी ये मैट्रिक्स एंटर किया, इसके साथ हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे। सो मैट्रिक्स ए को मैंने सिलेक्ट किया था, उसमें मैंने ये वैल्यू डाला, फिर अभी मैट्रिक्स बी को सिलेक्ट करना है, तो आपको फोर नहीं दबाना है, आपको करना क्या है, वन दबाना है। क्यों, देखिए देखिए मैंने वन दबाया, अभी हमने क्या सिलेक्ट किया था, पहले मैट्रिक्स वन, मतलब मैट्रिक्स ए सिलेक्ट किया था, अभी मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करना है जिसका नंबर है टू, तो टू डालो। देन फिर से देखो इसका क्या है, थ्री रोज और थ्री कॉलम्स है, सो थ्री रोज और थ्री कॉलम्स आप देख सकते हैं वन में है, तो ये वन दबाया मैंने, सो वैल्यूज पुट अप करो, थ्री माइनस वन, देन वन माइनस वन, देन फाइव, एंड देन माइनस वन, वन माइनस वन, एंड देन थ्री। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एसी दबाना है, फिर
फिर अभी ये दो 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 ही मैट्रिक्स नहीं है, अभी तीन मैट्रिक्स है. ओके सो उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग शिफ्ट फोर दबाएंगे, फिर से हम लोग डीम दबाएंगे. अभी मैट्रिक्स ए भी यूज हो चुका है, बी भी यूज हो चुका है, तो बचा क्या अभी मैट्रिक्स सी. तो सी में हम लोग तीसरा वैल्यू डालेंगे. तो ये थ्री मैंने दबाया. फिर उसके बाद आपको रोज और कॉलम्स के लिए पूछेगा, इट इज थ्री रोज और थ्री कॉलम्स है. सो अभी मैं इधर वन में जाता हूँ, ठीक है. सो फिर से अभी वैल्यू आप थ्री में पुटअप कर दीजिए, इट इज वन देन वन देन माइनस वन देन माइनस टू वन एंड देन जीरो देन तीन, तीनों भी वन है तो वन इक्वल देन वन. ओके फिर से आपको एसी दबाना है. ओके फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, शिफ्ट फोर दबाने का है. अभी मैट्रिक्स डी तो इधर है नहीं, तो अभी तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो करना क्या है, अभी डिम में नहीं जाएंगे क्योंकि अपना हम लोगों ने क्या किया कि मैट्रिक्स ए चूज किया इसमें वैल्यू डाल दिया, बी चूज किया इसमें वैल्यू डाल दिया, सी चूज किया इसमें वैल्यू डाल दिया. अभी अभी आपको उसका आंसर फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, फिर से अभी डिम में नहीं जाएंगे. मैट्रिक्स ए बी और सी जो दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैट्रिक्स ए का नंबर क्या है, थ्री मल्टीप्लाइड बाय, फिर से शिफ्ट फोर में मैट्रिक्स बी का क्या नंबर क्या है, फोर. सो ये फोर दबाया तो अपने आप आ गया. फिर मल्टीप्लाइड बाय फिर से जाएगा, देन शिफ्ट फोर मल्टीप्लाइड बाय सी, दैट इज मैट्रिक्स सी का नंबर क्या है, फाइव. तो मैंने फाइव दबा दिया. देखिए मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स सी आ गया, मैंने इक्वल दबा दिया. कुछ इस तरह से अपना मैट्रिक्स डिस्प्ले हुआ है. अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये सिक्स है, सिक्स जीरो जीरो फर्स्ट रो, देखिए सिक्स जीरो आ गया, आप नीचे देख सकते हैं जीरो. देन नेक्स्ट देखो जीरो थ्री जीरो, देखो ये जीरो आ गया, देखो थ्री आ गया, ये जीरो आ गया. फिर नेक्स्ट क्या है, जीरो जीरो टू, देखिए आप देख सकते हैं ये जीरो है, फिर ये जीरो है और नेक्स्ट इधर टू है, देखो कॉर्नर में आप देख सकते हैं. सो इस तरह से हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट और फाइंड मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स का कर सकते हैं, ठीक है. सो इस तरह से कुछ अपना ट्रिक था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड मल्टीप्लीकेशन यूजिंग कैलकुलेटर. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप टू लेने वाला हूँ, जिसमें आपको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा. तो इसमें आपको फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि अपने को मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन और डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कैलसी आना ही चाहिए, ठीक है. मैन्युअली भी कर सकते हैं लेकिन मैन्युअली बहुत हार्ड होगा, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए ये वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा. सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स.